वाराणसी स्थित उत्तर रेलवे सामुदायिक भवन में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा 1 जून 2023 गांधी आश्रम भितरवा चंपारण बिहार से शुरू हुई है, जो कई राज्यों से गुजरते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए 24 जून 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में पहला चरण पूरा करेगी। आगे उन्होंने कहा कि आज पुरानी पेंशन बहाली सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजेंद्र पाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली हमारा लक्ष्य है। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉक्टर कमल उसरी ने कहा कि बालासोर उड़ीसा रेल दुर्घटना का मुख्य कारण रेलवे का अंधाधुंध निजीकरण व रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार है। आगे उन्होंने कहा कि रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जारी संघर्ष को आम आवाम की भागीदारी के साथ रोका जाएगा। इस यात्रा का स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम के मुख्य संयोजक राकेश कुमार ने किया। कार्यक्रम में शशिशंकर द्विवेदी, बुल्लू पाल, विवेकानंद, निरंजन सिंह, सुदीप कुमार, इमरान अंसारी, निरंजन कुमार, संतोष सिंह, संजय कुशवाहा, कलामुद्दीन, पप्पू सिंह, पी के यादव आदि पेंशन विहीन साथियों एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अभी 1 जून से चंपारण से शुरू किया हूँ एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा, और हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। इसी को लेकर देशव्यापी अभियान है। आज हम बनारस में हैं, आगे इलाहाबाद जाएंगे, फिर से पूरा प्रदेश घूमते हुए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक, और लास्ट हमारी महाराष्ट्र में रैली होगी। ये यात्रा पूरे देशव्यापी है, इसमें सभी संगठनों के लोगों का सहयोग है, और हमारी एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो। और 5 राज्य कर सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है, देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, ये सवाल है। देश के सैनिकों को पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है, इसी सारे सवालों को लेकर के। और निजीकरण सरकारी संस्थाओं को भेज दिया जा रहा है, सरकारी स्टेशनों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। आपके ही बनारस के अंदर ट्रामा सेंटर को प्राइवेट कर दिया गया है, गरीब आदमी कैसे इलाज कराएगा। निजीकरण इस देश के लिए तबाही है, और इसी को लेकर के ये आंदोलन जारी है, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती।